हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट बुक का कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बहुत पॉपुलर बुक रहता है नितिन सिंघानिया सर का बुक। ओके, ये लेटेस्ट एडिशन है, थर्ड एडिशन। मैंने सोचा तो आप लोगों को इसका बारे में बता दो। पर दूसरे एक बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाई एस बलियान, एक्चुअली ये तो रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो मतलब इस बुक लाइक बलियान सर का तो UPSC का हिस्ट्री का कोचिंग में काफ़ी पॉपुलर है, आप दिल्ली गया तो सर ने आपका सर का एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बुक लिखा है एक्चुअली। ओके, तो हम देखते हैं, मतलब बेसिकली मैंने सोचा काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का डाउट रहते हैं, मतलब दोनों का फीचर्स क्या है, तो मैं आपको इसमें कंटेंट बताने वाला हूँ और दूसरे एक और चीज़ में बताने वाला हूँ इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आपका स्ट्रैटेजी कैसे इसके साथ आप मोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो चलो अभी देखते हैं। पहला चीज़ है लेटेस्ट जो थर्ड एडिशन है हमारा आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया का, तो उसके बारे में हम कुछ देखते हैं। तो इसमें फोर सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जो फीचर्स में बता देता हूँ, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो उससे पहले हम एक बार बुक का अंदर देखते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो अबाउट नितिन सिंघानिया में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। जो प्रीवियस एडिशन से और थोड़ा और रिफाइन किया है पर्टिकुलर थिंग, और काफ़ी सारा नया चीज़ ऐड भी किया है। तो आप पहली बार है बुक देख रहे हो तो आपको इसमें प्रिलिमिनरी का जो ट्रेंड वाइज एनालिसिस मिलेगा, मतलब पिछले साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा एंड ऑल, कितना मार्क्स का आ गया प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मतलब हिस्ट्री में हमेशा मोर दैन 4 to 5 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक बुक आप प्रॉपरली पढ़ो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाता है, तो प्रीलिम्स के लिए एक नहीं एक क्वेश्चन मिला तो बहुत बड़ी बात होता है। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंट पहला जो कंटेंट है सेक्शन ए में, तो क्या क्या आपको मिलता है जो एडिशंस टू थर्ड एडिशन वो सब बताने वाला हूँ। ओके, सेक्शन ए विजुअल आर्ट्स के बारे में, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड पॉटरी, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स मिलेगा। उसके बाद इंडियन पेंटिंग्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर 2, देन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टू इंडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन डांस फॉर्म्स आपको इधर मिलेगा। उसके साथ इंडियन थिएटर, इंडियन पपेट्री, इंडियन सर्कस, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सो आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट में मैक्सिमम चीज इसमें कवर करते हैं, मोर दैन 95% मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और कल्चर ऑफ इंडिया लाइक उसमें लैंग्वेज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आपको पता है हमेशा दो क्वेश्चन दो आते रहते प्रीलिम्स में। और दैट वाज वन एंड दैट सेक्शन डी देयर विल बी लाइक सम एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन यूजली कम। ओके, तो मतलब कंटेंट्स ये सब है, आप जैसे आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो में। ओके, तो अभी देखते हैं चैप्टर का प्रेजेंटेशन कैसा होता है। और उससे पहले इसमें हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स आपको दिया है 2019 प्रिलिमिनरी का, तो मैं ऐसे स्ट्रैटेजी भी बोला था हमेशा आप ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यूपीसी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके हिसाब से आपका पढ़ाई आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, सो दैट इज रियली गुड। ओके, तो अभी पहला जो सेशन है विजुअल आर्ट्स का जो है, तो इसमें मैं इसका चैप्टर का प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी कलरफुल बनाया है, काफ़ी अपीलिंग बनाया है, मतलब पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा नहीं है सबको आएगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल लाइक इट एक्चुअली, मतलब ऐसा बोरिंग टाइप से नहीं लिखा है। तो नितिन सिंघानिया का लैंग्वेज आपको पता है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, इवन कलर फोटोज दिया है, लाइन डायग्राम्स दिया है। ओके, और शॉर्ट शॉर्ट लाइक बुलेट पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेट में आपको नॉलेज शेयर किया है। ओके, तो इसमें अब देखा तो मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव है बुक, एंड काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, और पिछली वर्षन से लेके और हर चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। ओके, तो आपका पढ़ाई करने के बाद आपको लगेगा यार अच्छा मैंने जो पढ़ा ठीक तरीके से पढ़ा है कि नहीं, आपको उसमें पता चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इधर मिलने वाले हैं मेंस का भी, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अलग से क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं, बट क्वेश्चन बैंक हमेशा अच्छा रहेगा। बट क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, पिछला 25 साल गए हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और ये इन लोगों का इसका इस चीज़ों के बारे में एक्चुअली। ओके, चैप्टर तो आपने नॉर्मली प्रेजेंटेशन देखा था, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी डिटेल्स मिले, सब कुछ मिलता है इसमें। ओके, तो ये था नितिन सिंघानिया का बुक। अभी जो इस बलियान का बुक हम देखते हैं एक्चुअली, तो इसमें वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चंस, टीचर सपोर्ट भी आपको इसमें मिल रहा है। तो टीचर सपोर्ट एक आप क्वेश्चन टीचर से पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा, मतलब पूछने के लिए आपको एक QR कोड वगैरह जो मेल वगैरह करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया है, तो आप यहाँ से जो आपका जो इंडिविजुअल कोड आप स्क्रैच करके आपको मिलता है। ओके, तो इस बुक का देखा तो ये तो ऑलरेडी एक UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बुक है, तो उन लोगों ने काफ़ी सारा UPSC पॉइंट ऑफ आस्पेक्ट इसमें डाल चुके हैं। तो इंडियन आर्किटेक्चर करके पार्ट 1 है, और स्कल्पचर्स इन इंडिया पार्ट 2 है,
एंड पेंटिंग्स इन इंडिया एंड म्यूजिक एंड डांस इन इंडिया सील्स कॉइन्स पोट्री दिस लाइक सोशल प्रोग्रेस इन साइंस एंड प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब द कैटेगराइजेशन काफ़ी बढ़िया किया है काफ़ी इंटरेस्टिंग आप पढ़ सकते और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में वो काफ़ी बताया नालंदा तक्षशिला मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत उसने कैटेगराइज किया है एंशियंट इंडियन एंड रिलीजन एंड फिलोसफी ये दोनों बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो ऑफर प्राइस जो सस्ते में और मिलेगा वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ओके रिलीजन एंड फिलोसफी एंड एक और चीज़ इस वीडियो थोड़ा टाइम के बाद मैं आपको एक मैं अभी बता देता हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ फ्री क्लासेस है वो इंडियन पॉलिटी के बारे में है वो पॉलिटी का एक एक्सपर्ट टीचर है मैंने बोला था अभी इस वीडियो में आपको एक और इम्पोर्टेंट कोर्स के या फ्री कोर्स के बारे में बता रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर UPSC CSE हमेशा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मेंस के लिए भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो आप अगर मेंशन करते हो लाइक कोई भी चीज़ रिलेटेड टू कोई भी जजमेंट आते तो आराम से उसको रिलेट कर सकते हैं तो इसका एक बहुत बढ़िया क्लास है दीपिका रेड्डी का वो आपको फ्री क्लासेस है स्पेशल सीरीज ऑन पॉलिटी 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है मेनली ओके तो आप क्यों मैं पर्टिकुलर वीडियो वॉच करें उसके बारे में बताता हूँ ये टॉप अनअकैडमी एजुकेटर है ओके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट है और मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो UPSC एस्पिरेंट्स को आज ए मेंटर ओके तो इसका 10 पार्ट का क्लासेस रहने वाला है जो इम्पोर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 करके टिल पार्ट 10 तक आपको एक कोर्स मिलने वाला है तो पूरा आपके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आवर UPSC प्रिपरेशन वो आपको फिनिश होने वाला है और इसके साथ PDF नोट्स भी आपको मिल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं क्या बताना चाहता हूँ ये तो बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है और आप ज़रूर इसका नोट्स रिवाइज कर दीजिए क्योंकि हमेशा ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप कहीं भी कोट कर सकते हो जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में आने के टाइम इवन इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चंस कुछ जजमेंट के बारे में आपको ओपिनियन पूछा गया है तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल आ जाएगा ओके तो ये प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये अगर वॉच करना चाहते हो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ओके तो एक टॉप अनअकैडमी एजुकेटर का है काफ़ी पॉपुलर है आप उसका नाम से सर्च करके देख सकता हूँ दीपिका रेड्डी करके ओके तो जैसा हम पिछले वीडियो में भी करते रहते हैं हर वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कोर्स के बारे में जो फ्री कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक स्पेशल फ्री क्लासेस है स्पेशल सीरीज फॉर पॉलिटी एक्चुअली ओके तो थैंक यू दिस थिंग यू कैन गिव ए ट्राई ऑन दिस वन ओके तो कंटेंट्स हम लोगों ने देख चुके हैं मैक्सिमम कंटेंट्स यूनेस्को साइट्स वो सब कुछ है जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स वगैरह आप पोस्ट करके इस वीडियो को पोस्ट करके कंटेंट्स देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप एक कंपैरिजन दोनों बुक का कर सकते हैं कौन सा कंटेंट इसमें है और उसमें नहीं है करके और पहला चैप्टर आप देखो तो प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी सारा पिक्चर्स दिया है एक्चुअल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स है एंड बुलेट पॉइंट्स दिए हैं पढ़ाई करने के लिए उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको लाइक बोल्ड करके रखा है तो दोबारा कीवर्ड्स है ना जो दोबारा आप पढ़ाई करने के लिए आया तो सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हैं ओके तो प्रेजेंटेशन की वजह से तो दोनों में उसमें ज़्यादा कलरफुल है इसमें भी काफ़ी सारा जो फोटोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है वो दिया है क्योंकि हमारा आइडिया थोड़ा अच्छा रहेगा और इम्पोर्ट लाइक हर चीज़ के लिए छोटा छोटा बुलेट पॉइंट है मतलब समझने के लिए काफ़ी आसान रहते हैं हमारे लिए और हर चैप्टर के बाद आपको इधर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा आप प्रैक्टिस कर सकते हो ओके तो ओवरऑल ये बुक भी काफ़ी अच्छा है ओके तो मैंने सोचा आपको एक आइडिया दे दूंगा दोनों बुक के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके बारे में तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और इस बुक का खरीदना है तो और प्राइस में अभी बता देता हूँ आपको ओके तो जो भी प्राइस है जो QR कोड दिया है और जो भी प्राइस है उससे सस्ते में आपको खरीद सकते हैं तो मैं उसके लिए ऑफर में खरीद सकते हैं उसके लिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ओके और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्त लोगों को भी आप ये मैसेज फॉरवर्ड के वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए क्योंकि हमें भी थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिले ओके और कोई भी डाउट हो UPSC के बारे में या स्ट्रैटेजी या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज की दीजिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल है अबीस रिव्यूज वहाँ के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट में भी डाल सकते हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय